हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की इकोनॉमिक्स का फिफ्थ चैप्टर कंज्यूमर राइट्स जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था जब मैं क्लास नाइन्थ या टेंथ में थी आई वाज रियली शॉक्ड टू सी हमारे पास इतने राइट हैं वी डोंट इवन नो अबाउट दैट आई लर्न सो मच लाइक like, पहले आई जेन्यूनली फेल्ट एंड आई गेस आप में से भी बहुत लोगों को लगता होगा कि अगर हम कोई सामान ले आए और उसमें कुछ गड़बड़ी निकली तो पहला रिएक्शन यही होता है कि यार मैंने क्या कर दिया मुझे ये नहीं लेना चाहिए था फिर भी चलो करेज गैदर की कि आप सोचते हो कि चलो चेंज करते हैं या शॉपकीपर से जाके बोलते हैं कि ये क्या भैया क्या दे दिया आपने सामान बट फैमिली विल बी लाइक अरे क्या यार छोड़ो कितने का ही तो सामान है क्या जाओगे रहने रहने दो दो क्या कर सकते हो बट नो मोर क्योंकि एज कंज्यूमर्स हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं जिनकी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जिसको की जानने के बाद आपको ऐसे परेशान महसूस नहीं होगा द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट क्या होता है मार्केट वो जगह है जहाँ कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों मिलते हैं प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो चीजें बेचते हैं और कंज्यूमर्स वो होते हैं जो चीजें खरीदते हैं तो ये मार्केट प्लेस कहीं भी हो सकती है जैसे आप अपने घर पे बैठ कर भी मार्केट जा सकते हैं अरे अमेजोन ये सारे ऑनलाइन मार्केट हैं इसलिए इन सब जगह पे हम प्रोड्यूसर से डायरेक्टली नहीं मिलते बट वर्चुअली मिलते हैं तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इकोनॉमी के तीन सेक्टर्स में किसी से भी हो सकते हैं तीन सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तो प्रोड्यूसर्स अपना सामान बेचते हैं और कंज्यूमर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं वो चीजें खरीद कर तो मार्केट में कुछ रूल्स और रेगुलेशन होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है ताकि ना प्रोड्यूसर्स को परेशानी हो ना कंज्यूमर्स को परेशानी हो प्रोड्यूसर्स के लिए क्या रूल्स होते हैं जैसे जो भी सामान प्रोड्यूस होता है बहुत सारे लोग काम करते हैं तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि इतने सारे जो काम कर रहे हैं वर्कर्स वो सही एनवायरमेंट में काम कर रहे हो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है कि उनको कम वेजेस पे काम करना पड़ रहा है हार्मफुल कंडीशन में काम करना पड़ रहा है और अगर प्रोड्यूसर्स को पैसों की ज़रूरत हो तो जो मनी लेंडर्स हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे नहीं चार्ज कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स के लिए होता है कि उनको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामान बनाते वक्त वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएँ सिमिलरली ऐसे ही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि एक अकेला कंज्यूमर होगा वो बहुत वीक पोजीशन पे होगा क्योंकि अगर एक अकेला कंज्यूमर अगर सेलर के पास जाके कम्प्लेन करेगा तो सेलर पूरा ब्लेम बायर के ऊपर डाल देगा ना कि अरे आपको नहीं समझ आया तो आपने क्यूँ लिया या फिर आपको नहीं समझ आया तो कोई और शॉप में जाओ तो जो कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई वो इसी चीज को चेंज करने के लिए हुई मार्केट तो में कंज्यूमर के साथ कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन होते हैं ये लिस्ट बहुत लंबी है बट आई क्या क्या होता है वेट करते हैं तो उसमें भी बड़ा हेरा फेरी होती है अडल्टरेशन मतलब मिलावट तो ये तो सबको पता है कितना मिलावट है दूध में मिलावट है दाल चावल सब में तो मिलावट ही है फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ पॉजिटिव बताते हैं कि ये आपको गोरा कर देगा ये आपको पतला कर देगा ये आपकी पिंपल्स हटा देगा ये आपकी हाइट बढ़ा देगा सो लाइक यू गेट दी आइडिया एक्सपायरी प्रोडक्ट्स एक्सपायरी प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं मार्केट में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं क्या उनके सामान में पड़ा है क्या कैसे बना है ये चीजें या फिर चीजों के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा चार्ज का ना ये मोस्टली सर्विस सेक्टर है यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड देन फाइनल आपका बिल आता है तो उसे पता नहीं कितना सारा चार्जेस ये सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है इसका मतलब ये है बिजनेस मैन अपने सामान बेचने के लिए डिसेप्टिव फ्रॉड्यूलेंट और अनएथिकल चीजें कर रहे हैं तो जो कंपनीज है इनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और बहुत रीच भी है और ये किसी भी मार्केट को इजिली मेन्यूपुलेट कर सकते हैं और आजकल तो कंपनीज एक दूसरे के बारे में रॉ इन्फॉर्मेशन बता के कंज्यूमर को इजिली मेनिपुलेट कर सकती है तो ये सब चीजों से बचने के लिए रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए ताकि मार्केट में कंज्यूमर की राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके कंज्यूमर मूवमेंट तो ये सब जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे थे सेलर्स ये देखते हुए कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई और ये बहुत सालों की मेहनत लगी तब जाकर लोग जागरूक हुए और अपने राइट्स को समझने लगे और उनको ये समझ में आया कि मार्केट में कैसे उनको चीट किया जाता है अब हमारे ऊपर नहीं है कि अगर कोई सामान खराब हुआ तो ये हमारी जिम्मेदारी है बट अब ये सेलर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी गुड्स वो बेच रहे हैं या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत तब हुई थी जब ये फील किया जाने लगा कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड से और लीगल सिस्टम कोई अवेलेबल नहीं था तब हमारी कंट्री में कि अगर कंज्यूमर कंज्यूमर के साथ कुछ बुरा होता है तो को क्या करना चाहिए अपनी ये परेशानी सॉल्व करने के लिए तो इन सब की वजह से नाइनटीन से कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई नाइनटीन तक ये जो कंज्यूमर मूवमेंट हो रहा था इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका काम मोस्टली आर्टिकल्स लिखना या एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना तक सीमित था इन तरीकों से ही वो लोगों को जागरूक करते थे फिर लेटर ऑन उन्होंने कंज्यूमर ग्रुप बनाना शुरू किया और राशन शॉप्स में जो माल प्रैक्टिस हो रहे हैं या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर जो ओवरक्राउडिंग हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई इंडिया में अभी बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स हैं। इन सब चीजों की वजह से कंज्यूमर मूवमेंट सक्सीड हुआ और बिजनेस और गवर्नमेंट पे प्रेशर बना कि वो सही तरीके से काम करें और वो चीजें ना करें जो कंज्यूमर्स के लिए अनफेयर हो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया जिसको की पॉपुलरली कोपरा कहते हैं सो लेट्स सी इस एक्ट में हम कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट मिले हैं और ये राइट हम अच्छे से समझेंगे रेजी अमृता सिमरन और प्रकाश जी की हेल्प से राइट टू सेफ्टी ब्रिजी क्लास नाइन्थ का स्टूडेंट था और उसको अपने टॉन्सिल्स रिमूव कराने के लिए एडमिट किया गया था एक प्राइवेट क्लिनिक में केरला में और उसका ऑपरेशन हुआ जनरल एनेस्थीजिया देकर बट ये एनेस्थीजिया की वजह से रेजी के ब्रेन में अब नॉर्मेलिटीज हो गई थी जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ के लिए अपाहिज हो गया उसके फादर ने कम्पलेन की स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे जस्ट रिमेम्बर की वो स्टेट में कम्प्लेन फाइल करने गए और उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगा पांच लाख रूपए के लिए की हॉस्पिटल वालों की नाकामी की वजह से रेजी की ये हालत हुई स्टेट कमीशन ने बोला कि जो एविडेंस है वो इनसफिशिएंट है और उनकी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया उसके खिलाफ रेजी के फादर ने कंप्लेंट की नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जो कि न्यू दिल्ली में है नेशनल कमीशन ने कंप्लेंट को देखा और हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहराया नेग्लिजेंस के लिए और हॉस्पिटल को बोला की वो उनको पे करे तो हॉस्पिटल की गलती की वजह से रेजी को पूरी लाइफ के लिए सफर करना पड़ा ऐसे ही हमको एज कंज्यूमर्स बहुत सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज का सामना करना पड़ता है है, जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं तो हमें ये राइट right है कि हम सेफ रह सके अगेंस्ट सच गुड्स तो बहुत से गुड्स और सर्विसेज है जिनको यूज करते वक्त हमें बहुत स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए जैसे नॉर्मल सी चीज जैसे प्रेशर कुकर का वॉल्व अगर खराब हो अगर डिफेक्टिव हो तो काफी सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है तो जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि सेफ्टी वॉल्व अच्छी क्वालिटी का हो और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए की ये एक्चुअल में अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं या नहीं बट अभी भी हमें खराब क्वालिटी की चीजें मिलती है मार्केट में क्यूँकी गवर्नमेंट का एनफोर्समेंट काफी वीक है Right to be informed. इस लाइट को समझने के लिए हम अमृता की स्टोरी देखेंगे अमृता एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उसने कोई गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसने इंटरव्यू दिया और अपनी सर्टिफिकेट्स भी दिखाए बट बहुत टाइम हो गया और उसको रिजल्ट का कुछ पता नहीं चला तब उसने ऑफिशियल से पूछा की बताइए कब हमारा रिजल्ट आएगा तो उन्होंने भी कोई ढंग से रिप्लाई नहीं किया तब अमृता ने आर फाइल किया और बोला की उसको जानने का अधिकार है की क्या रिजल्ट आया है ताकि वो अपना फ्यूचर प्लान कर सके आर फाइल करने की वजह से उसको पता चला कि रिजल्ट देने में इतनी लेट क्यों हो गई है साथ ही साथ उसको जॉब अच्छा तो right हुआ है और इस right की से जो हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि जो सामान वो बेच रहे हैं उसमें क्या क्या मिला है तो जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स यानी उसमें क्या क्या यूज हुआ है उसका प्राइस पैच नंबर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट ये सब लिखा हुआ होता है ताकि हमें उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता हो और हम एक सही डिसीजन ले सके कि हमें वो सामान खरीदना है या नहीं तो जब हम लोग कोई दवा खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है डायरेक्शंस फॉर प्रॉपर यूज या ये लिखा होता है कि दवा खा के आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और अब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के पावर को और भी बढ़ा दिया गया है और अब कंज्यूमर्स या आम इंसान गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो कैसे काम कर रही हैं। तो ये हुआ है 2005 के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की वजह से राइट टू चूज लेट्स सी सिमरन की स्टोरी सिमरन ने एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए और उसके लिए उसको साठ हजार रूपए देने पड़े थे दो साल के लिए तो उसने ये सारे पैसे एक साथ दे दिए बट एक साल जाने के बाद उसको इतना अच्छा नहीं लगा वो इंस्टीट्यूट तो उसने बोला की देखिये एक साल मैंने पढ़ा है मुझे अब आगे नहीं पढ़ना तो एक साल का पैसा वापस कर दो बट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वो पैसे देने से मना कर दिया फिर उसने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने ऑर्डर किया इंस्टीट्यूट को कि वो अट्ठाईस हजार रूपए वापस करे क्योंकि उसका राइट टू चूज है फिर क्या हुआ इस इंस्टीट्यूट ने कम्प्लेन की स्टेट कंज्यूमर कमीशन में और स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन की बात को सही ठहराया और इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के ऊपर पच्चीस हजार का फाइन भी लगाया क्योंकि उन्होंने फालतू की अपील की और इतना ही नहीं उनको सात हजार और देने को कहा एज कॉम्पनसेशन एंड रिटिगेशन कॉस्ट ये इंसिडेंट से हमें क्या समझ आया ये समझ आया कि कोई भी हो उसकी जो भी एज हो जो भी जेंडर हो कैसी भी सर्विसेज वो ले रहा है हम सबको एस कंज्यूमर्स राइट टू चूज मिला है यानी हमारे ऊपर है कि अगर हमें कोई सर्विस नहीं अच्छी लग रही तो हम उसको चेंज कर सकते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल अगर हमारे साथ कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना नुकसान हुआ है और आपको कितने का कॉम्पनसेशन चाहिए आपको या तो अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या फिर सीधा नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा तो आप अपने अप्रोप्रियट कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं इसके साथ ही या तो आप खुद से अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप किसी लॉयर की हेल्प भी ले सकते हैं पूरा प्रोसेस जानने के लिए हम प्रकाश अंकल की स्टोरी को देखेंगे उनको मनी ऑर्डर भेजना था अपने गाँव में क्यूँकी उनकी बेटी की शादी हो रही थी ये बहुत दुख की बात है कि ये पैसा उसको शादी के टाइम तक नहीं मिला और ना ही शादी के बहुत दिनों बाद तक मिल पाया तो वो जब पोस्ट ऑफिस में पूछने के लिए गए कि क्या हुआ मनी ऑर्डर का तो पोस्ट ऑफिस ने उनकी परेशानी को अच्छे से सॉल्व नहीं किया फिर वो लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के पास गए और उनकी एडवाइस ली देन प्रकाश जी ने कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस फाइल किया जिसके लिए उनको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ा और फिर जब कोर्ट के पास उनकी कम्प्लेट गई तब कोर्ट ने दूसरी पार्टी को यहाँ पे मतलब पोस्ट ऑफिस को नोटिस दिया अब दोनों पार्टी के केस को जज सुनते हैं तो प्रकाश जी अपना केस खुद से लड़ रहे थे तो कोर्ट ने दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट सुने और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया और फिर जज ने कोर्ट का वर्डिक्ट सुनाया अब क्या डिसीजन आया या नहीं ये पता नहीं बट प्रकाश जी के फेवर में ही आया होगा कोपरा के अंदर थ्री टीय क्वासा जुडिशियल मशीनरी बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल लेवल पे कंज्यूमर की डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कोर्ट होते हैं जिनको की डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं उनके पास वो क्लेम जाते हैं जिनका क्लेम बीस लाख तक होता है जो स्टेट लेवल के कोर्ट होते हैं जिनको की स्टेट कमीशन कहते हैं उनके पास वो केस जाते हैं जिसमें क्लेम 20 लाख से 1 करोड़ तक का होता है नेशनल कमीशन में वो क्लेम जाते हैं जिसमे एक करोड़ से ऊपर का क्लेम होता है अगर सपोज कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तो कंज्यूमर स्टेट या फिर नेशनल कमीशन के पास जा सकता है तो कोपरा एक्ट की वजह से हम कंज्यूमर्स को राइट टू बी हर्ड मिला है जिसकी वजह से हम कंज्यूमर्स कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बात सुना सकते हैं लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स और ये है हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्योंकि एस कंज्यूमर्स हमारे ये राइट right है कि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए जब हम एज कंज्यूमर ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे अपने राइट को लेकर तब हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं गुड्स और सर्विसेज लेते समय तो गवर्नमेंट कई सारे पोस्टर्स इशू करती है लोगो को जागरूक करने के लिए की वो क्या कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई सेलर गलत करता है साथ ही साथ टेलीविजन पे कई एड आते हैं जो की हम में हमारे कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताते हैं तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि कोई सामान की क्वालिटी अच्छी है या नहीं कभी जब आपने कोई सामान लिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें कोई मार्क होता है जैसे आई एस आई हॉल मार्क या फिर एग मार्क ये कंज्यूमर्स को एंश्योर करता है की जो भी गुड वो ले रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का है तो प्रोड्यूसर्स अपना सामान ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरा सामान देखिए कि इसकी क्वालिटी कैसी है तो अगर इन ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हाँ इनका प्रोडक्ट अच्छा है तो ये ऑर्गेनाइजेशन उनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है ये जो आईएसआई मार्क होता है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मिलता है जैसे हेलमेट्स पे हॉल मार्क होता है ज्वेलरी पे जैसे गोल्ड पे और एग मार्क होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे और प्रोड्यूसर ये जो सर्टिफिकेट है ये अपने सामान में यूज करता है ताकि को एस कंज्यूमर्स पता चले कि ये सामान एक्चुअल में अच्छी क्वालिटी का है ये जरूरी नहीं है प्रोड्यूसर्स के लिए कि उनको इस ऑर्गेनाइजेशन से अपना सामान चेक कराना हो ये चेक नहीं भी कराए तब भी ठीक है बट कुछ चीजों के लिए ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट जरूरी है जैसे की सिलेंडर्स पे फूड पे ड्रिंकिंग वाटर पे ये सब चीजें जो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं इन सब के लिए जरूरी है कि इन प्रोड्यूसर्स के पास सर्टिफिकेट हो ऑर्गेनाइजेशन का टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड 24 फोर डिसम्बर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं इंडिया में क्योंकि 1986 में इसी दिन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था इंडिया उन कंट्रीज में से है जहाँ पे कंज्यूमर के लिए अलग से कोर्ट है इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट अभी काफी पॉपुलर है हमारे यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं ये एक्टिविटीज करते हैं और कंज्यूमर तक जागरूकता फैलाते हैं बट हमारे यहाँ कंज्यूमर रिड्रेसल का प्रोसेस में बहुत परेशानियां हैं कभी कभी कंज्यूमर्स को लॉयर का इंतजाम करना पड़ता है इन केसेस को फिल करने में टाइम जाता है प्लस कोर्ट के चक्कर काटने में टाइम जाता है नॉर्मली क्या होता है हम लोग सामान खरीदते हैं बट ट्रांजेक्शन का हम लोग बिल नहीं रखते इसकी वजह से हमारे पास एविडेंस भी नहीं होता है और फिर आपको कॉम्पेसेशन मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है तो कोपरा एक्ट बने हुए कई साल हैं, बट अभी भी बहुत से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है बट अब पहले से तो बेटर ही हालत है क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं बट अभी भी मार्केट में सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं तो ये सब तभी और अच्छे हो सकता है जब हम एज कंज्यूमर्स अवेयर होंगे अपने राइट्स के लिए और हम अपने लिए खुद आवाज उठाएंगे और मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देती हूँ गवर्नमेंट ने 2019 में एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है क्योंकि 1986 वाले एक्ट को बहुत टाइम हो गया और हमारा देश बदल रहा है और दुनिया भी बदल रही है तो ये न्यू एक्ट आया है हमारे ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है सो राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो And thank you so much for subscribing to my channel. I've reached around 60,000 now. And thank you for subscribing to my channel and uh, if you like the video, consider subscribing and uh, I'll see you guys in the next video. Till then, take care and bye-bye.